मैं आ गया हूं आपके लिए जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर। साथियों, आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए साथियों हम एक बहुत ही जबरदस्त जीएस वर्ल्ड की यह 16वीं टेस्ट सीरीज लाए हैं। इस 16वीं टेस्ट सीरीज साथियों आपके मॉडर्न इंडिया से संबंधित है। इसमें साथियों 150 प्रश्नों की यह हमारी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज है 150 प्रश्नों की। इस 150 प्रश्नों में साथियों आपको मॉडर्न इंडिया से संबंधित सवाल मिलेंगे और मॉडर्न इंडिया से संबंधित यूपी स्पेशल से संबंधित आपको सवाल मिलेंगे। और आपको मालूम है कि इस समय जो प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड चल रहा है कि करंट से जोड़कर, यानी मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो चीजें करंट में थी उस चीजों को भी यहाँ पर रखा गया है, जिससे आपका ये कंप्लीट सिलेबस को टच कर जाए। साथियों आप इस 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को अगर थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर देख लेते हैं पूरी टेस्ट सीरीज, तो आप यकीन मानिए साथियों ये 150 प्रश्न इसमें ऐसे होंगे, ये 150 प्रश्न आपको यूपी पीसीएस के जो सिलेबस हैं हर एक सिलेबस को टच करा देगा। आपको इस बात का ज्ञात हो जाएगा कि इस यूपी पीसीएस में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कितने बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, उस हर एक टॉपिक से आप परिचित हो जाएंगे। साथियों बहुत ही जबरदस्त है। अगर प्रश्न आपको आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा हो तब आप रुकिएगा, क्योंकि साथियों ये आपके एक परीक्षा की घड़ी है, अपने आपको अंदाजने का समय है। साथियों अपने आप को अगर हम अंदाजते नहीं है हम कितने पानी में है, अगर ऐसे हम कूद जाएंगे तालाब में तो साथियों में डूबने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो साथियों इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसका पीडीएफ के लिए हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दे रहे हैं, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ एंसर की सहित आपको प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। साथियों बहुत ही जबरदस्त है, मॉडर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में। आप लोग देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है लगभग 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चले साथियों हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया साथियों हमारी मेहनत को। साथियों अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे दूर दराज गांव के मेरे भाई बहन होंगे जो ऐसे महत्वपूर्ण अपडेटेड कंटेंट से दूर होते हैं, तो उनके लिए मैंने यह प्रयास किया है जो वो भी जो है मुख्य धारा में आ सके। तो देखें हम लोग पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में साथियों इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपकी सुविधा के लिए, मिलाने वाला है अब तो ये समझ ही गए होंगे। एक तरफ साथियों आपको यहाँ पर संगठन दे दिया है पहली सूची में और दूसरी सूची में उसके संस्थापक हैं। किस संगठन के संस्थापक कौन है आप मिलाकर जो सेट बन रहा है उसी में बना दीजिए। तो साथियों यहाँ पर पहला जो आप देख रहे हैं इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है साथियों, सुरेंद्र बनर्जी बंगाल से संबंधित हैं। और साथियों पूना सार्वजनिक सभा ये महाराष्ट्र में साथियों जस्टिस रानाडे इसके संस्थापक हैं। ये मद्रास महाजन सभा इसको MMS भी बोला जाता है, MMS, तो इसके संस्थापक जो है वीर राघवाचार्य हैं। और बचा एक हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम देखेंगे हमारा सेट कौन बन रहा है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सेट यही बन रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा। बहुत अच्छा। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपको दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ आपको कथन दिए गए हैं, तीन कथन, उन्हीं कथनों को अच्छे से पढ़कर आपको सही से पढ़कर जो है बताना है और उसका सही उत्तर चुनना है। बहुत अच्छा है प्रश्न साथियों। क्या कह रहा है पहले वाले कथन में कि उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। यस भाई, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, कहां पे, लंदन में 1866 में, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ये बात सही है। दूसरा वाला क्या है, इन्होंने अपने अर्थशास्त्री लेखन में भारत के गरीबी का कारण बताया था, ये भी सही है साथियों, दूसरा वाला भी सही है। और ये तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे साथियों, ये तीन बार साथियों 1886 में, 1886 में चुने गए थे, उसके बाद 1893 में चुने गए थे, और एक बार जब नरम दल और गरम दल में मामला पहली बार जब उठा था जबरदस्त 1906 में, तो ये बन गए थे तो मामला शांत हो गया था, लेकिन साथ में शांत नहीं हो पाया। तो यही तीनों बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। यो आपका उत्तर जो होगा सी हो जाएगा,
एक दो तीन, तीनों कथन हमारे सही हैं, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग देखते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे, पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में, यानी साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित आपको तीन कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को अच्छे से पढ़ते हैं, बताना है कौन सा सही है और हमें सही उत्तर देना है, गलत उत्तर नहीं। क्योंकि याद रखिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन सा सही नहीं है, तो बच्चे आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं, तो इसको आपको जहां पर भी पूछे तो आपको सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है पहले उसको मार्किंग कर लेना है। तो पहला वाला पूछ रहा है इसकी स्थापना का अंतिम रूप देने के लिए एओ ह्यूम को जाता है, यस साथियों इसको जो है इसके संस्थापक में एओ ह्यूम को ही माना जाता है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये बात जो है सही है पहला वाला। इसका क्या है, इसका इसका प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित हुआ था, तो साथियों पूना में ही आयोजित होना था लेकिन उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की समस्या थी इसलिए पूना में नहीं हुआ, पूना से नहीं होकर मुंबई में हुआ, गोकुल मतलब गोकुल तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज था एक बॉम्बे में, तो वहीं पर हुआ था, तो ये वाला गलत हो गया साथियों क्योंकि यह पूना में नहीं मुंबई में हुआ था, क्योंकि पूना में प्लेग की बीमारी बहुत ज्यादा उस समय फैली थी। ये तीसरा वाला क्या करा है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बनर्जी साहब ने की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, यस ये बंगाली थे। विकल्प नंबर ये तीन भी हमारा सही है, कथन तीन तीन सही है यानी दो गलत है। तो यहाँ पर एक और तरीका है आपको सॉल्व करने की, जब हमें पता लग गया क्वेश्चन आपको सही पूछ रहा है यानी सही उत्तर हमें देना है, जब दो गलत हो गया तो जहां जहां दो है उसको काट दो, वही जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। हमें तीसरा नहीं पता होता फिर भी हम उत्तर को निकाल लेते, पहला भी नहीं पता होता फिर भी हम उत्तर को निकाल लेते, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल दूसरा मालूम है कि यह मुंबई में हुआ था और दूसरा गलत है, तो हर जगह दो को काट देते तो हमारा यही बी बच जाता। यही एलिमिनेशन मेथड भी लगाकर आप कम नॉलेज में भी उत्तर को निकालना सीखिए। ये हो गया आपका बी उत्तर। आगे हम लोग बढ़े चौथे में, ऐसे प्रश्नों को बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं साथियों कम नॉलेज में भी वो उत्तर को निकाला जा सकता है वहां से। ये देखिए हम लोग चौथा क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। साथियों जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम आजादी दिलवाएंगे और लोगों के लिए मतलब आजादी के लिए आंदोलन करेंगे, इसका उद्देश्य यही था कि हम अपनी जनता की मांग को अपनी तरफ से सरकार के सामने रखेंगे, सरकार हमारी बात को मानेगी, तो इसका उद्देश्य यह था। हालांकि परिस्थितियां ऐसी बनी तो लड़ाई लड़नी पड़ी, तो यही आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नहीं था, क्या नहीं था साथियों देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं, जो नहीं था वही बताना है। तो पहला एकता की भावना को विकसित करना ये था, यानी हमसे नहीं पूछ रहा है तो पहला नहीं होगा। राष्ट्रवादी राजनीतिक कर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना ये भी था, जनप्रिय मांगों को निरूपण करना ये भी था साथियों, ये तीनों था जब, इसका मतलब यही डी नहीं रहा होगा, तो विकल्प नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन के लिए संगठित करना। तो मैंने ये बात पहले आपको बताई थी, ये स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना इसका उद्देश्य नहीं था, ये बाद में परिस्थितियां बनी तो कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन शुरुआत में इसके स्थापना के समय इसका उद्देश्य ये नहीं था। आगे चले हम लोग, बाकी ये तीनों था ही, आगे चले हम लोग पांचवें में देखते हैं साथियों, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, अगर हमारी मेहनत का आपको जरा सा भी एहसास हो अपने भाई के लिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच, हमारा अगर सपोर्ट करना हो तो। पांचवा देखते हैं क्या है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक निम्नलिखित में से कौन थे, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली थी वो कौन थी, उसका नाम आपको पूछ रहा है साथियों, तो उनका नाम है कादम्बनी गांगुली, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, कादम्बनी गांगुली 1890 में कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को जो है संबोधित किया था, कब 1890 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं छठवां में क्या आपसे पूछ रहा है, इसमें कह रहे हैं साथियों परमहंस मंडली के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके एक सही उत्तर दीजिए जो है।
बहुत अच्छा साथियों, तो ये परमहंस मंडली आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और राम मेहता जैसे अनुयायियों के 1849 में बंबई में किया गया था। 1849 में ये बंबई में किया गया था इसकी स्थापना। तो पहला कथन क्या करा है, इसका आरंभ चेन्नई प्रांत प्राथमिक धार्मिक सुधार के लिए किया गया था। तो साथियों ये गलत, मैंने पहले था मुंबई में हुआ था, चेन्नई में नहीं हुआ था ये, तो ये गलत हो जाएगा पहला आपका। दूसरा क्या कह रहा है, इसने मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया। तो यस साथियों, इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, ये जातिवाद, ब्राह्मणवाद, इसका खूब विरोध किया। तो ये बात सही है, ये वाला तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये चेन्नई में नहीं, यह बंबई में हुआ था, बंबई में हुआ था, इसको याद रखिएगा, इसीलिए यह गलत हो गया। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर बी हो जाएगा, केवल दो सही है। आगे देखें हम लोग साथियों, यहां पर देखें सातवां में क्या पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको चार कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करके आप बताइए कौन से सिद्धांत ब्रह्म समाज से संबंधित में सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग जानते हैं साथियों, राजा राम मोहन राय ने किया था, जिनको राजनीति का अग्रदूत माना जाता है, ये समाज, ये और ये मतलब सामाजिक पहला नेता माना जाता है उन्हें। और ये क्या कह रहा है, इसमें हमें सही उत्तर बताना है ऊपर के चारों कथनों को पढ़कर। तो चले हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य संबंध, सिद्धांत से संबंधित क्या है, वही बताना है हमको। तो साथियों ये जाति प्रथा के समर्थक ब्रह्म समाज नहीं था, जाति प्रथा के विरोधी था। तो ये वाला गलत हो जाएगा एक आपका। तो सीधी बात, एक जहां हो आप काट दीजिए उसे, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, तो सीधा सीधा उत्तर निकल कर आ गया डी। सो तो सोच कर देखिए साथियों, सिर्फ हमें, हम लोग बहुत पढ़े हैं, राजा राम मोहन राय क्या जाति प्रथा के समर्थक हो सकते हैं, वो तो जाति प्रथा के विरोधी थे ना, भले से ब्राह्मण थे लेकिन वो जाति प्रथा के विरोधी थे बहुत। तो वो पहला गलत हो गया, तो आप पहला गलत हो गया तो एलिमिनेशन लगा दीजिए, आप दिमाग लगाइए, ये सही पूछ रहा है। तो जहां जहां एक है सबको काट दीजिए, बच जाएगा आपका उत्तर डी हो जाएगा, यानी बाल विवाह के विरोधी थे ये ब्रह्म समाज, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, विधवा पुनर्विवाह के विरोधी थे। हाँ ये थोड़ा सा उनमें था, लेकिन जो है ये जो है तीनों कथन आपका सही है। यहाँ पर दो दो और तीन सही है, सॉरी ये आपका चौथा गलत है ना, ये चौथा गलत है, देखने से ही लग रहा है वो विधवा पुनर्विवाह के विरोधी के कैसे हो सकते हैं। तो यही दो सही है, केवल दो और तीन, यही वाला डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग, आठवां में देखते हैं क्या है, आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां देखिए नहीं पूछ रहा है, आर्य समाज के बारे में आपको कौन सा कथन सही नहीं है उसी को पकड़ना है, जो सही है उसे नहीं पकड़ना है, जो गलत है उसे पकड़ना है। तो यहां पर साथियों आर्य समाज क्या कह रहा है, यहाँ पहली पहली वाली बात में क्या लिखी है, पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन का समर्थक, यानी जो आर्य समाज है साथियों वो पश्चिमी जो विज्ञान है, यानी जो पश्चिमी देशों के जो ब्रिटेन वगैरह में जो ज्ञान विज्ञान का जो एक अध्ययन चल रहा था उसका समर्थन करती थी आर्य समाज। तो ये बात सही है, लेकिन हमें गलत वाले को पकड़ना है, वही गलत वाला हमारा उत्तर होना चाहिए। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था आर्य समाज ने, ब्राह्मण द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म का विरोध, यानी जो ब्राह्मण हिंदू धर्म को जिस तरह से बना दिए थे उस सिस्टम को भी वो विरोध करता था आर्य समाज, तो ये भी है, लेकिन पुरोहितावाद का समर्थन करता था, तो ये भी गलत है साथियों। यानी ऊपर के तीनों सही हैं, ये पुरोहितवाद का समर्थक कैसे कर सकता है, यानी एक जो पुरोहितवाद का मतलब जो कुलीन वर्ग है, जो मतलब एक तरह से जातिवाद कह सकते हैं, तो जातिवाद के समर्थक कैसे हो सकता है, जातिवाद के विरोधी थे। तो ये आपका गलत है, यही गलत आपका उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर डी आपका सत्य है, मतलब उत्तर सत्य है, ये गलत था इसलिए उत्तर सही हुआ, ये जात पुरोहितावाद का विरोधी होना चाहिए था यहां। आगे देखें हम लोग नौवे में, नौवा में साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है, उन्हीं कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दीजिए। यहां पर क्या है, सही उत्तर देना है। तो साथियों आपको मालूम है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के संदर्भ में जो हुई थी उसे बीए ने किया था, नाम तो बड़ा कठिन होता है, ये टाइटल याद रखिए, ब्लावात्स्की और ये अलक्रोट। तो एनी बेसेंट तो भारत में इसके संस्थापक थी, जो भारत में होम रूल आंदोलन चलाई थी तिलक के पैरेलल, तो
तो वो है एनी बेसेंट, इसके स्थापना के में नहीं है, इसकी एक सदस्य थी। तो एनी बेसेंट आप काट दीजिए, एनी बेसेंट भारत में उसको लेकर आई थी उसकी एक शाखा के रूप में, और यहाँ होम रूल आंदोलन चलाया था, तो उसके संस्थापक नहीं बल्कि ये सदस्य थी उसकी, तो ये काट दीजिए, एक नहीं होगा, एक जहां होगा आप काट दीजिए, तो आपका उत्तर बी ए हो जाएगा। ये बी ब्लावात्स्की, ए अल्कोर, याद रखिएगा बी ए। कभी भी आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछे कौन किया था, तो बी ए ने किया था, ब्लावात्स्की, मैडम H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल H.S. अलकोट ने। तो विकल्प नंबर आपका जो है ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका 9वां का डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग 10वां में, देखते हैं क्या है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इसके संदर्भ में आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, दो कथन, इन्हीं दोनों कथनों को आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है, सही उत्तर को बताना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, सही बात है साथियों, जो बीएचयू की स्थापना हुई थी साथियों, बीएचयू के गेट पर तो मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगी है, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बीएचयू की स्थापना में, तो एनी बेसेंट भी आए तो लगा देना, तो ये भी बात सही है, एनी बेसेंट ने भी बनारस जो बीएचयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सही है। दूसरा क्या है, मदन मोहन मालवीय ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी साथियों, सरासर गलत है। ये जो मदन मोहन मालवीय मैंने बताया बीएचयू से ही जुड़े थे, और जो MAO माओ यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, तो ये सैयद खान जो है नाम एक थे, मुस्लिम थे वो, एक तरह से विचारक थे वो, जो है इसको जो है स्थापना किए थे सैयद महत खान, जो कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, तो वो किए हैं ये मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया है, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा, ये दूसरा गलत होगा, केवल उत्तर ए होगा, 10वां का ए हो जाएगा उत्तर। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग 11 में, देखते हैं क्या है 11वां में। साथियों आपसे पूछ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, दो तीन बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, तो पढ़िए आप, तो मालूम है बाल गंगाधर तिलक एक जो है गरम दल वाले कांग्रेस के गुट के नेता थे, उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, तो साथियों ये बात सच है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है, तो ये सच बात है, लेकिन जब हमसे पूछ रहा है गलत बताइए, तो ये गलत हो गया, सच होते हुए भी गलत हो गया, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। उन्होंने अंग्रेजी में केसरी पत्रिका की स्थापना किया, तो साथियों ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है आपके यहाँ पर साथियों, उन्होंने दो पत्रिका निकाली थी एक ही समय पर, एक केसरी निकाला था और एक मराठी निकाला था, तो याद रखिए, और जो केसरी थी साथियों यह जो है मराठी भाषा में थी, उल्टा है तीनों, यह केसरी जो थी यह मराठी भाषा में थी, और जो मराठी थी यह इंग्लिश भाषा में थी, ब्लू बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही मराठी का उपयोग वो गांधी जी के जो है, हालांकि आंदोलन में असहयोग आंदोलन तक वो मर चुके थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के लिए यही मराठी पत्रिका का प्रयोग करते थे, ये केसरी पत्रिका का जो मराठी भाषा में थी, तो यहाँ जो केसरी लिखा है कह रहे हैं अंग्रेजी में केसरी पत्रिका की स्थापना की थी, तो केसरी पत्रिका की स्थापना जरूर किया था उन्होंने, लेकिन वो मराठी भाषा में थी, अंग्रेजी में नहीं थी, और जो मराठी नाम की पत्रिका थी वो इंग्लिश में थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, आंसर बी हो जाएगा 11 का। बहुत अच्छा, और बाकी सब सही है, उन्होंने शिवाजी का आयोजन किया, उन्होंने कर न चुकाने का आंदोलन भी चलाया था, ये सब सही है उनके बारे में, यही गलत था। आगे चले हम लोग 12 में, देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब चला था साथियों, ये 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, तो उस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत ही चरम अवस्था पर था, तो इसी से संबंधित, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यहां ध्यान रखिए सही नहीं है, उसी को बताइए आप, तो इसमें स्त्रियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग ली, ये बात सही है,
छात्रों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो साथियों ये बात आपका गलत हो जाएगा। छात्र ही इस आंदोलन के अग्रणी जो थे, इसी के छात्रों की वजह से यह आंदोलन इतना चरम स्तर पर पहुंचा था, तो ये बात गलत हो गई। छात्रों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, तो यहाँ नहीं नहीं होना चाहिए था। तो बाकी सब सही है, यही गलत था। क्यों गलत था मैंने बता दिया। और कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना शुरू हुई और आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति पर बल दिया गया। आप लोग जानते हैं कपड़ों की होली जलाई गई थी, इसका मतलब स्वदेशी को अपनाने की बात की गई थी, इसका मतलब आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं ये सब सही है अपनी जगह पर, ये सब सही है, यही बी वाला गलत था। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है आपका कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे, यानी वो क्रांतिकारी बातें लिखते थे, राष्ट्र को मतलब आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन की तरह बात करते थे, तो वो कौन सी ऐसी थी? तो साथियों संध्या भी क्रांतिकारी की पैरवी करती थी संघर्ष की, युगांतर, काल, क्रांची क्रॉनिकल, ये सभी जो हैं, ये संध्या जो थी साथियों, ये 1904 में ये ब्रह्मा बाधव उपाध्याय एक थे, उपाध्याय जी, वो उनके द्वारा शुरू किया गया था 1904 में। और ये युगांतर थी बारिंद्र कुमार घोष, बी के जी, ये सॉरी ये यहां पर है, ये युगांतर थी, ये बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा 1906 में शुरू किया गया था साथियों। ये अखबार शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य होता है विद्रोह, और विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। और ये काल जो थी ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, हर सप्ताह में आती थी ये, 1897 में ये इसके मतलब छपना शुरू हुआ था। और कराची क्रॉनिकल जो थी साथियों ये एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी, 1905 में ये जब बंगाल विभाजन हुआ था तब इस समय यह प्रचलन में आई थी, खूब बातें लिखती थी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा, चार के चारों बातें सही हैं, चार को चारों जो है क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि किनका संबंध, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हीं नामों में से पढ़कर बताइए किनका संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। आप लोग जानते हैं बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहीं पर जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो लोग थे जो एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी का एक आया था डीएम, कह सकते हैं कि वहां का कलेक्टर था, वो मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम था डगलस किंगफोर्ड, डगलस डी डी से डगलग किंगफोर्ड, किंगफोर्ड, तो डगलस किंगफोर्ड आया था, तो उसी के ऊपर बम फेंक दिए थे ये खुदी राम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। हालांकि उस गाड़ी में कोई और था, अन्य निर्दोष महिलाएं थी, वो तो बच गया लेकिन वो महिलाएं मर गई। तो इसी के चक्कर में इसी घटना को, जो बम फेंका था उन्होंने मजिस्ट्रेट को समझकर, मजिस्ट्रेट को मारने के लिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में, इसी घटना को मुजफ्फरपुर घटना बोला जाता है, मुजफ्फरपुर केस षड्यंत्र बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, एक और डी, यही सत्य है और बाकी सब गलत है, बाकी सब नहीं थे, इससे दो ही लोग संबंधित थे। तो साथियों जो अन्य निर्दोष महिलाएं मर गई, इससे आत्मग्लानी में आकर, इससे बहुत दुखी होकर ये प्रफुल्ल चाकी ने खुद को जो है सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया, जबकि खुदीराम बोस को इसके तहत केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही दो लोग संबंधित थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, बहुत ही जबरदस्त है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, बांटो और राज करो नीति को लेकर, यानी जब 1905 में जब अंग्रेजों ने, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो उस समय स्वदेशी राष्ट्रवाद चरम पर चला, हिंदू मुस्लिम में एकता देखी, तो उसको भंग करने के लिए जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसमें आपसे सही पूछ रहा है, इसके संदर्भ में सही कौन है? तो साथियों पहला ही सही है, मुसलमानों को सब पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आया था, यानी कि इससे क्या होगा कि अब मुसलमान ही मतलब जिस सीट पर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, कोई और मतलब धर्म का लोग वोट नहीं देगा उसको, एक तरह से हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा करने के लिए थी। तो विकल्प नंबर ए यही सही था, इसीलिए आया था, मुख्य इसका था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
तो ये दोहरी शासन प्रणाली की समाप्ति ये इससे संबंधित नहीं है, ये सब गलत है इसके संदर्भ में, यही सही है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग, केंद्र में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत साथियों 1935 में हुआ था, 1935 में, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए ये सब गलत है। आगे देखें हम लोग क्या है हमारा 16 वाले में, निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व किया था, किसने भारत में होम रूल लीगों का आयोजन किया था, नेतृत्व किया था, तो आपको मालूम होगा ये एनी बेसेंट ने किया था, इनको तो आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, आप भी जानते हैं, तो इसका मतलब आप अन्य को इनको चाहे जानते हो चाहे न जानते हो, जबकि ये भी थे, तो आपका उत्तर यहाँ डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो हमें ये नहीं मालूम था सुब्रमण्यम अय्यर, लेकिन जब हमें पता लग गया एनी बेसेंट थे, तिलक थे, एक से ज्यादा हो गया, तो हम इसी पर जाएंगे, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, तीनों मतलब होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, नेतृत्व किया था सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। आगे चले हम लोग देखते हैं 17 में क्या पूछ रहे हैं साथियों, 17 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही वाले पर हमें ध्यान देना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो पहला वाला आप जो पढ़ेंगे जो सही है उसी पर लगाएंगे आप, तो पहला वाला क्या कह रहा है साथियों, ये अल हिलाल, अल हिलाल साथियों 1912 में अबुल कलाम आजाद ने लाया था, मौलाना मोहम्मद अली नहीं, तो अल हलाल नाम का ये जो था अल हिलाल नाम का ये जो था पत्रिका, ये कलाम आजाद ने लाया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसलिए यह गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपको मौलाना मोहम्मद अली दे दिया था, गलत हो गया। ये कॉमरेड जो थी साथियों, कॉमरेड आई थी, इसको मोहम्मद अली ने ले आया था, मौलाना मोहम्मद अली ने, तो विकल्प नंबर ये चला जाए, ये बी वाला यहां रहना चाहिए था तब सही होता, तो सीधी सी बात जब एक उल्टा हो गया तो वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, क्यों गलत हुआ मैं आपको मिलाकर बता दिया, यहां रहना चाहिए था। अब गदर जो आई थी साथियों सरदार सोहन सिंह भाखना, ये सही है साथियों 1913 में आई थी, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ये सही है, गदर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये शुरुआत में उर्दू में छपती थी, बाद में अन्य भाषाओं में छपी। स्वराज जो है ये बाल गंगाधर तिलक कह रहा है, तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी निकाला था, ये आजादी के दौरान निकाले थे, तो ये पत्रिका जो है ये सुभाष निकाले थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये भी गलत हो गया, तो विकल्प केवल सी सही है। आगे चले हम लोग 18 जब देखते हैं, तो द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है, तो साथियों सीधी सी बात सुभाष चंद्र बोस नाम की जो मूवी है वो देखे होंगे, या बहुत सारी बातों में आप सुने होंगे, द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी है, विकल्प नंबर एक तरह की आत्मकथा है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, 18 का बी हो गया। आगे देखे हम लोग साथियों क्या है, 1919 शासन अधिनियम, जिसमें पहली बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 पहली बार इसमें हल्की फुल्की उत्तरदायी शासन का मतलब जिक्र किया गया था, बात आई थी, और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन था इसमें, तो पहले वाले 19 में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसको पढ़कर कथनों को आप बताइए और सही उत्तर दीजिए, देना है आपको, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 पर लाया गया था, यस साथियों ये 1900 शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो 18 के बेस पर लाया गया था, 1918 के सुधार के बेस पर, तो ये बातें सही हैं, 19 का ये बात सही है हमारा। अब हम चलते हैं दूसरा पढ़ते हैं, ये क्या है, इस प्रणाली में वित्त और कानून व्यवस्था गवर्नर के अधीन आरक्षित कर दिए गए थे, यस विकल्प नंबर, ये कथन दो भी सही है, तो यानी सी हमारा सही हो जाएगा, 19 का सी सही होगा, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं 24 में, 24 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज
कोष यानी तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो साथियों आप लोग को मालूम है, हालांकि तिलक जो है वो ये असहयोग, गांधी जी के असहयोग आंदोलन था उसके लिए जमीन तैयार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तिलक जी की मृत्यु जो है 1920 में ही यानी असहयोग आंदोलन से पहले हो गई थी। तो उन्हीं की याद में कम से कम 1 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, ये तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। क्यों? क्योंकि पैसा ये असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए जुटाया जा रहा था, तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तो ये स्थापना की गई थी किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। विकल्प नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन में पहले बता दिया ना, वही होगा। 24 का आपका उत्तर जो होगा साथियों, ये आपका 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों। क्या पूछा जा रहा है इसमें आपसे? कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में यह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह ये माना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन गांधी जी के, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के सहयोगी रहे थे? तो जो गांधी जी के सहयोगी थे उन्हीं में से कौन थे ये आपको बताना है साथियों। बहुत अच्छा है ये हमारा प्रश्न। तो साथियों गांधी जी के जो सहयोगी थे ये जेबी कृपलानी देवी उस समय थे, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो गए थे, नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई, मजरूल हक, ये सभी थे साथियों उस समय सहयोगी। तो विकल्प नंबर आपका सही पूछ रहा है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं 21 वाले में। 21 वाले में साथियों क्या पूछा जा रहा है आपसे साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा, देखिए मैचिंग वाले सवाल है, ऐसे आरओ एआरओ यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में दबा कर ये पूछा जाता है। तो कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है नीचे दी हुई कुछ घटनाओं को, कौन सी घटना पहले हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, तो इस तरह से आपको बताना है। तो साथियों अहमदाबाद मिल हड़ताल जानते हैं, ये मार्च 18 में हुआ था, ये मार्च, हम मैं हर एक का डेट लिखते जा रहा हूं, मार्च 1918 में हुआ था, गांधी जी ने इसका आंदोलन किया गया था। और रॉलेट एक्ट जो ये पारित हुआ था साथियों ये तो जानते हैं, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके जस्ट पहले पारित हुआ था 1919 में, इसी का नतीजा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, यानी यह पहले हुआ होगा और यह बाद में हुआ होगा, हालांकि 1919 में यह भी था। तो खेड़ा सत्याग्रह साथियों यहां पर एक आता है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था साथियों? तो ये खेड़ा सत्याग्रह साथियों मार्च 18 गुजरात के तत्कालीन, ये भी यानी इसके जस्ट बाद ये भी हुआ था खेड़ा वाला, ये भी मार्च 18 में ही लगभग हुआ था, मार्च 1918 में। तो साथियों यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, सर 2 थो 2000, 2 थो 19 का है, 2 थो 1919 का है और 2 थो 1918 का है। तो ये पहले थी, सबसे पहले घटना यही थी, मार्च की ही थी लेकिन पहले थी, और ये भी मार्च की है लेकिन ये थोड़ा सा बाद की थी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो जहां पर नंबर 1 होगा वही आप पहले लगा दीजिए, नंबर 1 कहाँ पर है? तो केवल केवल साथियों इसी में है, नंबर 1 यहाँ है, फिर चौथा जस्ट आ जाएगा, आप लोग जानते हैं क्योंकि मार्च 18 में भी था, और इसके बाद रॉलेट एक्ट पारित हुआ होगा उसी के नतीजा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये 2 और 3 सबसे अंत में रहेगा, तो आप लोग समझिए कितना ट्रिकी, कितना शानदार, कितना सरल सवाल था ये। आगे चले हम लोग 22 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर कर हमें बताना है कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो जो गलत है अब की बार हमें उसे पकड़ना है जो गलत है साथियों। बहुत अच्छा, तो 1915 में देखें कितना सरल सवाल, कितना कंसेप्चुअल, कितना अच्छा है। 1900 पहला कह रहा है 1915 में गांधी जी जब भारत लौटे तो उनकी उम्र 30 वर्ष से थोड़ी सी अधिक थी, कितना झूठ बोल रहा है साथियों। आप लोगों को मालूम है जब कह दिया 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से तो उनकी उम्र 30 वर्ष से थोड़ी सी अधिक थी, तो कितना गलत बात है सोचकर देखिए। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था, तो सोचकर आप लोग देख लीजिए, गुजरात में हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर, तो
तो आप सोच कर देख लीजिए। तो ये हो गया साथियों 31 साल, तो यही हो गया 31 साल इधर हो गया, और 15 साल इधर और जोड़ लीजिए तो लगभग 45 साल हो जा रहा है। तो साथियों सोच कर देखिए, 30 साल नहीं करा, 30 साल से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा का मतलब साल 2 साल होता है साथियों, इनकी उम्र 45 साल से अधिक थी। तो ये बात हमारी गलत हो गई। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो कह रहा है 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो ये साथियों गलत है, 1917 में स्थापना की थी, 16 में नहीं, 1917 में साबरमती आश्रम। तो ये दूसरा भी आपका गलत हो गया, तो सी दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत है मैं आपको बता दिया। 23 देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीन कथन दिया है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, आप लोग जानते हैं यह मुसलमानों के तुर्क में एक उनकी मुसलमानों के जो वहां पर था मामला, तो उसको लेकर यहाँ पर मतलब लोग हर जगह के पूरी दुनिया को मुसलमान विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने एक अवसर देखा कि मुसलमान नाराज हैं, अगर हम मुसलमान का साथ दे देते हैं इसमें तो हमें क्या होगा कि असहयोग आंदोलन हम चलाने, 1919 में आया था खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो गांधी जी ने सोचा कि मुसलमान नाराज हैं, मुसलमान का आंदोलन का समर्थन करेंगे, जब हम 1920 में 1 साल बाद आंदोलन चलाने वाले हैं 1900 असहयोग आंदोलन, तो उसमें मुसलमान हमारा साथ देंगे। तो एक तरह से खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की बात था वहां पर, तो वही बात था। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन संदर्भ में कौन सा कथन सही है वही बताइए आप। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के नेता के रूप में उभरे, सही बात है, क्योंकि गांधी जी ने खूब हिंदुओं को कहा कि आप साथ दो इनका। दूसरा क्या है, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को सुनिश्चित किया, मैंने पहले बताया हिंदू मुस्लिम एकता की बात खूब किया इस उन्होंने, एकता देखी भी गई असहयोग आंदोलन में, महात्मा गांधी जी को इसका साथ मतलब लाभ भी मिला और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, तो सही बात है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने में यह एकजुटता लाई। तो तीनों के तीनों सही हैं, 23 का हमारा उत्तर डी हो जाएगा, तो उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं हम लोग 24 में क्या कह रहे हैं साथियों। तो 24 में हमारा क्या प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, यहां पर कितना जबरदस्त प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को चलाने के लिए, ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसको चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष यानी तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो साथियों मालूम है आपको, असहयोग आंदोलन की जब नींव तैयार हो रही थी तो ये बाल गंगाधर तिलक उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जमीन तैयार कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। हालांकि असहयोग आंदोलन को शुरू होने से पहले ही 1920 में, 1920 में तिलक की मौत हो जाती है, तो उन्हीं की याद में एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है जिसका लक्ष्य रखा जाता है 1 करोड़ रुपया जुटाने का, यही 1 करोड़ रुपया असहयोग आंदोलन में खर्च करने के लिए। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन विकल्प नंबर सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग 25 देखते हैं क्या है। 25वां में कह रहा है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के कारण समाप्त कर दिया जाता है। साथियों आप लोगों को मालूम है असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ वहां घटनाएं हुई, आग लग गई थाने में और कई सारे पुलिस वाले जलकर मर गए, बहुत बड़ी घटना हुई जिसके कारण गांधी जी बहुत नाराज हुए, दुखी हुए और वो इस आंदोलन को बंद कर दिए। तो ये चौरी चौरी घटना के कारण बंद कर दिए थे असहयोग आंदोलन। तो मालूम है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा पूछा जाता है। और इसी घटना के कारण बहुत से लोग नाराज हुए, गांधी जी आंदोलन ने बंद कर दिया एक घटना के कारण, तो गांधी जी जो आंदोलन बंद कर दिए इसी से नाराज होकर नेहरू और जो है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जिसे सीआर दास कहा जाता है, वो 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं और उधर जो है नवयुवक जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर जोर देने लगते हैं, कहते हैं ऐसे आजादी अब नहीं मिलेगी। तो यही सब घटनाएं हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको दिमाग में लाने के लिए। 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप निम्नलिखित में से निर्यात हुए, तो 18वीं शताब्दी में बंगाल से यूरोप में कौन से चीज जो निर्यात हुए थे उसका नाम बताना है। तो साथियों क्या निर्यात हुआ होगा, नील, कपास, रेशम, यही सब ना, तो यहाँ इंडिगो को नील बोला जाता है और रेशम कपास यही सब होता था बंगाल में। विकल्प नंबर आपको बी हो जाएगा, 26 का बी।
आगे देखें हम लोग 27 में क्या कह रहे हैं। तो 27 में साथियों कितना जबरदस्त प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है। क्या कह रहे हैं, औपनिवेशिक शक्तियों के संदर्भ में यानी ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कालक्रम में इनको सजाना है। तो पहले कौन हुआ, फिर पहले कौन हुआ। तो साथियों आप लोग जानते हैं ये जो हैदर अली का जो मतलब मद्रास वाला एरिया था, तो आंग्ल आंग्ल मद्रास युद्ध जो हुआ था साथियों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। देखो, औपनिवेशिक शक्तियां यानी ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों को कालक्रम में सजाना है, यानी पहले कौन सी घटनाएं हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसके बाद कौन सी हुई, तो ये बताना है आपको, बताकर विकल्प में हमें चुन लेना है। तो एक्सला साइपेल संधि साथियों कौन हुई थी, जो आपको मालूम है अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में युद्ध होता था, उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था साथियों, यह 1746 से 1746 से 1748 तक चला था। तो और 48 में एक्सला साइपेल संधि होती है तो यह युद्ध समाप्त होता है। तो ये होता है पेरिस की संधि होती है, ये कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध होता है साथियों उसमें होती है। तो मतलब कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध चलता है ये 1756 से 63 तक, तो इसमें जो है पेरिस की संधि से ये समाप्त होता है। तो ये दो चीज तो हमें क्लियर है ये वाला, और इसमें एक जो दिया है रिसविक की संधि साथियों, ये जो रिसविक की संधि यहाँ पर दे दिया है ये थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने का है। रिसविक की संधि साथियों 1697 में ही हुआ था, बहुत पहले। तो 1697 में रिसविक की संधि हुआ था, तो ये सबसे पहले हो जाएगी, उसके बाद 1-2 यानी 3-1-2 होना चाहिए। तो यही हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग 28 में क्या कह रहे हैं। 28 में आपसे कहा जा रहा है साथियों, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा 15वीं शताब्दी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की बढ़ती खोज और खोज के कारण था। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्र जो है अलग अलग समुद्री मार्ग के द्वारा जो है खोज कर रहे थे, रास्तों की खोज हुई थी, किए थे, उस खोज करने का कारण क्या था। तो साथियों खोज करने का कारण यहाँ पर बहुत सारा था साथियों, क्योंकि वहां की जो पुर्तगाल के राजकुमारी हेनरी, भारत को खोजने का जुनून, तो एक तरह का ये भी सही था साथियों, एक तरह से भारत को खोजने का इस तरह का उनमें जुनून था वहां की सरकार में। दूसरा क्या था, लाल सागर से बहुत ज्यादा जो है वहां पर जो इस्लामिक कंट्री थी उनका एकाधिकार था, उधर से आने नहीं दिया जाता था, इसलिए वो दूसरे रास्तों की तलाश में थे। यूरोप में जहाजों के निर्माण और नौ परिवहन यानी नए नए जहाजों का निर्माण हो रहा था, नौ परिवहन को बढ़ावा मिल रहा था, तो वो उसी बहाने अपना खोज करने निकल देते थे। तो ये सब बातें सही हैं, कारण था यानी जो अलग अलग समुद्री मार्ग के द्वारा रास्तों को खोज हुआ वो इन सभी का कारण था, ये तीनों बातें सही है। आगे देखते हैं हम लोग 29 में क्या पूछा जा रहा है। यूरोपीय शासकों या व्यापारियों के संदर्भ में बटाविया, बटाविया शब्द किस देश से जुड़ा हुआ था। तो साथियों यूरोपीय शासकों और व्यापारियों के संदर्भ में है ये, तो ये बटाविया शब्द कहां से जुड़ा है ये आपको बताना है। तो साथियों यह इंडोनेशिया से जुड़ा है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, बटाविया शब्द कहां से है, इंडोनेशिया से है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा वाला, तीसरा वाला साथियों इसमें पालीगर विद्रोह, कौन सा विद्रोह, पालीगर विद्रोह के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो यह एक धार्मिक आंदोलन था, यह एक धार्मिक आंदोलन था साथियों, तो ये बात गलत है। ये जो पालीगर विद्रोह था साथियों यह एक तरह से सामाजिक आंदोलन था, प्रशासनिक रूप में नियुक्त करता था और यह जो है एक सामाजिक आंदोलन था टैक्स वगैरह वसूलने का, तो इसी से संबंधित, टैक्स से संबंधित था, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या, यह मध्य प्रांत में शुरू किया गया था और बाद में दक्षिण भारत में फैल गया, तो साथियों ये भी गलत है, यह जो है तमिलनाडु जिले में ही शुरू हुआ था, यानी दक्षिण भारत में ही शुरू हुआ था, मध्य भारत में नहीं, तो ये भी बात गलत हो गई। तो तीनों को दोनों बातें हमारी कौन सा सही है,
तो डी हो जाएगा, कोई भी बात सही नहीं है, दोनों गलत। 31 में क्या कहा जा रहा है, 18वीं शताब्दी में हौलाधर, देखो तीन नाम दिया है, हौलाधर 18वीं शताब्दी में हौलाधर, घंटीदार और मंडल शब्द किससे संबंधित है। ये तीनों बातें एक ही है साथियों, हौलाधर, घंटीदार, मंडल, ये सब 18वीं शताब्दी में ग्राम प्रधान को कहा जाता था। हमारे ग्राम में आजकल जैसे हम लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं ग्राम प्रधान कहते हैं, कहीं मुखिया जी कहते हैं, कहीं सरपंच कहते हैं, लगभग इन तीनों का मतलब एक ही होता है, उसी तरह से ये भी थे। आगे देखते हैं हम लोग, 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है, 32 में, गवर्नर जनरल द्वारा शासन के संदर्भ में सर्वोच्चता की नीति शुरू किया गया था, यानी कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो शासन के संदर्भ में सर्वोच्चता की नीति लेकर आया था। सर्वोच्चता की नीति साथियों, हम ही सर्वे सर्वा हैं, जो हम कहेंगे वही सब कुछ होगा, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा क्योंकि हम राजा हैं। तो ऐसा कौन कहा था साथियों, ऐसा सर्वोच्चता की नीति लाने वाला लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1813 से 23 तक था, तो 1813 से 23 तक इसका शासन काल था, तो यही सर्वोच्चता की नीति लेकर आया था, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, तो वारेन हेस्टिंग नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग। आगे चले हम लोग, 35 में क्या है देखे हम लोग, इसमें कह रहा है साथियों, घटनाओं को कालक्रम के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए, कुछ घटनाएं दी हैं, इन्हीं घटनाओं को आप सेट कीजिए कालक्रम में। तो क्या है, पहला सती प्रथा का अंत, आप लोग जानते हैं सती प्रथा का अंत जो है ये 1829 के आसपास हुआ। धार्मिक विकलांगता अधिनियम साथियों, ये 1850 में आया था, 1850 में आया था धार्मिक विकलांगता अधिनियम। एक ऐसा कानून था कि धर्म या जाति में परिवर्तित होने पर किसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं होगा। नाम तो है धार्मिक विकलांगता, यानी धर्म को विकलांग करना, शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, यानी कोई दूसरे धर्म में शादी कर लिया तो उसके धर्म को, उसके मजहब को बदलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए आया था 1850 में। तो और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो आई थी 1856 में आई थी, 1856 में। तो साथियों सब हैं, एक दो तीन सही क्रम से हैं, तो विकल्प नंबर आपका जो है ये 33 वाला बी हो जाएगा, 1 2 3। आगे चले हम लोग देखते हैं 34 में, तो 34 वाले में साथियों आपसे, आपको क्या दिया है इसमें, तो इसमें आपको दिया है कि ब्रिटिश भारत में उदारवादियों की मांग, उदारवादी कौन थे साथियों, जो अनुने बिने निवेदन करते थे, अंग्रेजों से संघर्ष नहीं करते थे, लोहा नहीं लेना चाहते थे, वो अनुने बिने के माध्यम से अपना काम करवाना चाहते थे। तो उदारवादियों की मांगों के संदर्भ में विचार कीजिए, तो उदारवादी का मांग क्या था, उससे संबंधित इन्हीं कौन सा कथन हमारा सही है। तो चले हम लोग पढ़ें, तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। सरकारी सेवाओं का भारतीकरण किया जाए, ये मांग था साथियों उदारवादियों का, कि जो सरकारी नौकरियां, इसका भारतीकरण किया जाए, यानी इसमें भारत में भी इसको प्रचलन में लाया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का आवाहन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना, ये भी बात सही था साथियों, यानी उनका मतलब ये था, जो काम कर रहा है, जो कार्यपालिका है, जो नियम को लागू करती है, वही जब न्याय करने लगेगी तो कैसे न्याय होगा, तो इसलिए वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना चाहते थे। जैसे अभी, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, वो कार्यपालिका में आता है, या डीएम है, तो मतलब जो प्रशासन के आईपीएस है, तो आईपीएस ही न्यायाधीश बन जाएगा, तो कैसे न्याय होगा, तो ये भी बात सही थी, ये दोनों उनकी मांग थी। रक्षा में व्यय वृद्धि साथियों, रक्षा में व्यय वृद्धि कौन करेगा, भारतीय तो चाहते थे अंग्रेज रक्षा में जो मतलब व्यय खर्च कर रहे हैं वो कम करें, क्योंकि रक्षा में खर्च करेंगे तो उन्हीं का बढ़ा चलेगा ना, रक्षा मजबूत होगी तो उसका किसको झेलना पड़ेगा, अपने भारतीयों को ही झेलना पड़ेगा, इसलिए रक्षा में व्यय वृद्धि का, यानी रक्षा में खर्च बढ़ाने का आह्वान उन्होंने कभी नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 केवल सही है हमारा, विकल्प नंबर बी, यही दो मांगे उदारवादियों की थी। 35 वाला हम देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, तो सही उत्तर देना है याद रखना।
उन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रूप में कार्य किया। साथियों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। एक बार चुने जाने की किसी ने मांग रखी थी 1907 में, लेकिन उसमें झगड़ा हो गया नरम दल गरम दल में, नहीं हो पाया। तो वहां पर साथियों ये मामला बिल्कुल गलत हो गया। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। तो यहाँ एक होगा, आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो आपका उत्तर अभी फंसा हुआ है सी या डी में। तो देखते हैं ये क्या है। वह असहयोग आंदोलन में अग्रणी में से एक थे। साथियों मैंने पहले ही बताया था असहयोग आंदोलन वो देख नहीं पाए थे, लेकिन वो उसको तैयार कर रहे थे, बड़े जोर शोर से मेहनत बहुत कर रहे थे, क्योंकि 1920 में ही शुरू होने से पहले उनकी मौत हो गई। तो ये बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजद्रोह के मुकदमे में तिलक का बचाव किया, जब तिलक ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था तो जिन्ना ने उनका बचाव किया था, ये भी बात सही है। तो 2-3 केवल सही है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर डी 2 और 3, बहुत अच्छा यही वाला। आगे देखते हैं हम लोग 36 में। 36 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्वासित किया गया था। तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जिसको काला पानी बोला जाता था, वहां उनको भेज दिया गया। तो कौन होगा साथियों, ये 36 में हमारा उत्तर जो दिए हुए ऑप्शन है, तो पहले आप पढ़ेंगे तो उत्तर अपने आप निकल कर आएगा। तो साथियों यहाँ पर जो थे बारिंद कुमार घोष को भी वहां पर भेजा गया था, फजलुल ए हक खैराबादी को भी भेजा गया था, बटुकेश्वर दत्त को भी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर पूछ रहा है, तो 36 का हमारा डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सभी को भेजा गया था। आगे देखें हम लोग 37 में। तो 37 में क्या पूछ रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें क्या कहना है आपको, सही उत्तर देना है कथनों को पढ़कर, तो दीजिए सही उत्तर। तो इसकी स्थापना बीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था बर्लिन समिति का, यस साथियों सही बात है, बीरेंद्र चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने, यही दोनों ने किया था, ये बात सही है। इसका गठन भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काने और ब्रिटिश भारत का सशस्त्र आक्रमण आयोजित करने के लिए किया गया था, यस दोनों बातें सही हैं। तो डी हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं हम लोग स्वदेश सेवक गृह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। तो स्वदेश सेवक गृह किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये गदर, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ये गदर से संबंधित है। तो 38 का आपका उत्तर सी हो जाएगा, 1911 में गदर संस्था गठित हुई थी। तो इसमें बहुत से स्वान सिंह भाकना, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास सभी थे, और इसमें एक इसी से संबंधित एक गदर पत्रिका भी 1913 में निकाली गई, पहले उर्दू भाषा में फिर बाद में अन्य भाषाओं में। गदर का मतलब होता है साथियों विद्रोह होता है, आप लोग जान लीजिएगा। अब देखें हम 39 में, ब्रिटिश भारत काल के दौरान वीटली कमीशन, यानी ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश शासन था, तो उस समय वीटली कमीशन आया था। तो यह किससे संबंधित था वीटली कमीशन, तो साथियों यह शिक्षा का पश्चिमीकरण करने के लिए आया था, ये श्रमिक सुधार करने के लिए, श्रमिक सुधारों से संबंधित था, इसलिए आया था साथियों। अंग्रेजों का हमारे यहाँ के श्रमिकों को सुधारना उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य ये था श्रमिक सुधार के नाम पर हम ऐसा कानून बना देंगे कि श्रमिकों को छुट्टी चाहिए, ये ज्यादा बूढ़े नहीं काम करेंगे, बच्चे नहीं काम करेंगे, श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाए, इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि यहाँ के उद्योगों का भार बढ़े और ये अपने सामान को महंगा करें, इनका सामान महंगा होगा तो हमारा सामान बिकेगा, तो उनका उद्देश्य यह होता था, इसलिए वो श्रमिक सुधार कर रहे थे, वीटली कमीशन लाए थे। आगे देखते हैं 40 में, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन करते हुए सत्याग्रही नामक एक लेख प्रकाशित किया था। तो ऐसे कौन से नेता हैं, आपको मालूम है रॉलेट एक्ट आया था 1919 में,
रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना किसी को मुकदमा चलाए उसको असीमित समय तक जेल में रखा जा सकता है, जिसको ब्रिटिश सरकार समझे अपना। तो साथियों बहुत से क्रांतिकारी थे, जेल हो जाती उनको, क्योंकि विद्रोह के नाम पर उनको जेल में डाल देते। तो इसे इसी का वो नतीजा था जो सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग जो है इसका जनसभा कर रहे थे और जो है आई जो है भीड़ भीड़ पर गोली चला दिया गया, जलियांवाला वाला हत्याकांड हुआ। तो सत्याग्रही नामक एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें यह था कि हमें रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे करना है। तो ये किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 40 का बी। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा ये 41 में। असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में कहां पर यूनियन बोर्ड टेक्सटाइल यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर न देने का आंदोलन चलाया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ही असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था साथियों? 1920 से 21 तक चला था, 1920 से 21 में चला, चौरी चौरा के बाद बंद हो गया। तो इसी समय दक्षिण भारत में कहां पर यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ टैक्स न देने का आंदोलन चलाया गया साथियों? तो ये था साथियों आंध्र प्रदेश में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो 42 हम लोग देखते हैं, तो 42 में क्या है साथियों हमारा? जातिगत भेदभाव पर लिखी गई प्रसिद्ध रचना बिटाल विध्वंसक, यानी जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए उसके खिलाफ जो बातें हैं, तो विध्वंसक लेखक कौन है, यानी बिटाल विध्वंसक इसके लेखक कौन है साथियों? चार नाम यहां पर दिया गया है, चार नामों में साथियों यही है, गोपाल बाबा वावलंकर। तो बाबा वावलंकर विकल्प नंबर बी, यही इसके लेखक है, किसके? बिटाल विध्वंसक के। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस की, मतलब किस क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख उद्देश्य में से एक संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसका मुख्य आधार वयस्क मताधिकार था? तो ऐसा कौन सा संगठन चाहती थी कि जो है संघीय गणतंत्र की स्थापना करें जिसका मुख्य आधार वयस्क मताधिकार हो? तो ऐसा कौन सा संगठन चाहती? तो साथियों ये चाहती थी हमारा जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यही संगठन जो है काकोरी कांड से, काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ी हुई थी, जो काकोरी में जो है धन लूटा गया था ट्रेन को। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 44 में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज गठित किया गया था? तो नाम से लग रहा है डंडा फौज, वे लोग केवल डंडा नहीं लिए रहते, डंडा भी लिए रहते थे और चिड़िया मारने वाली बंदूक भी लिए रहते थे, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं रहता है तो उस समय नहीं था। तो चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज की स्थापना किया गया था। तो मतलब किस घटना के दौरान किया गया था ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान चमनदीप के नेतृत्व में ये डंडा फौज स्थापना किया गया था। तो आप ये जो है 1919 में अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान। 45 में मुड्डी मैन समिति का संबंध किससे था? तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, मुड्डी मैन समिति का संबंध किससे है, इन चारों विकल्पों में हमें बताना है। तो 1919 अधिनियम की जांच करने के लिए मुड्डी मैन समिति बैठाई गई थी। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी जो थी, आपको मालूम है ये स्वराज पार्टी जब 1923 में बनी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में, तो उसी समय साथियों यह जो 1919 में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार थी बनी थी 1919 वाले अधिनियम से, जिसे हम लोग चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, तो इसी समय इसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी मुड्डी मैन समिति इसी अधिनियम की, कि कितना कारगर हुआ। 46 में देखते हैं बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ था,
आपको मालूम है 1764 बक्सर युद्ध किसके मध्य हुआ था? एक तरफ जो है अंग्रेजी जो है, मतलब एक तरफ तो ब्रिटिश थे अंग्रेज, थोड़ा सा जान लीजिए, और अंग्रेजों के खिलाफ दूसरी तरफ त्रिगुट सेना थी। त्रिगुट एक तरफ जो भगाया गया था यहां से अंग्रेजों ने, जिसको गद्दी से उतार कर भगाया था, मीर कासिम, मीर कासिम था, एक शुजाउद्दौला था और एक शाह आलम द्वितीय थे, मुगल सम्राट शाह आलम। तो ये तीनों लोगों की सेना थी, फिर भी हार गई थी, तो इसके संदर्भ में दिया गया है। तो बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को रेजिडेंट की नियुक्ति की, वे निम्नलिखित में से कौन से थे? तो जो फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की, वे कौन थे? तो साथियों वे कौन थे, आप लोगों को मालूम होगा, वो वही थे अंग्रेजों की कठपुतली थे एक तरह का। तो यही था, ब्रिटिश विधान परिषद में भाग लेना ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। राज्यों में कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंट, यानी उनका एजेंट था वो, राजनीतिक और वाणिज्यिक एक तरह से अधिकार कर लिए थे, वही एक तरह मैंने बताया उनका कठपुतली था, विकल्प नंबर सी। 47, कौन सा कथन गलत है, सत्य है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है इसको आपको बताना है। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है दिए हुए ऑप्शन में से साथियों? तो आपको यहां बताना है, ताशकंद घोषणा पत्र भारत और चीन के बीच 1962 में हुए चीन भारतीय युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो साथ में सवाल बिल्कुल गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये ताशकंद घोषणा पत्र 1962 में नहीं, 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी उसी समय निधन भी हो गया था, और याकूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनके मध्य जो 65 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान को, उसके संबंध में था। तो ये गलत हो गया। सिंधु जल नदी, सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान ने तीसरे पक्ष को अपनी समस्याओं का समाधान करने की अनुमति नहीं दी। तो साथियों अनुमति दी थी, ये एक विदेशी संस्था थी, वही उसकी जो है एक तरह की, तो वही इसका नेतृत्व कर रहा था भारत और पाकिस्तान के, जो नदी जल बंटवारा था, तो उसमें कहा कि पश्चिमी जो नदियां हैं उसका अधिकार पाकिस्तान को है, जो पूर्वी नदियां हैं पंजाब की साइड की वो भारत की होंगी। तो यहाँ पर तीसरा ये सी वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है 1972 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। साथियों भारत ने पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था, तो उसी के सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान हार चुका था भारत से, तो आयरन लेडी उस समय पीएम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो 1972 में ही ये बातें सही हैं सी, यानी 1972 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, तो ये सही है, यही उत्तर होगा आपका। 48 में 1950 के भारतीय शासन परिषद अधिनियम ने किस राज्य या राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल का प्रावधान किया था? तो साथियों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो उस समय द्विसदनी विधानमंडल, जैसे आज है द्विसदन में, जैसे केंद्र में राज्यसभा लोकसभा और राज्यों में जैसे विधानमंडल विधान परिषद, ऐसे ही आया था। तो किस राज्य में अंग्रेजों ने द्विसदनी का प्रावधान किया था, यही आपको बताना है यहाँ पर। तो साथियों वे द्विसदनी प्रथा, यानी दो सदनों वाली जो था, वो बॉम्बे में थी साथियों, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में भी थी, और दोनों में थी, यही बॉम्बे और यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार जैसे लोगों में थी, यहाँ सिंध में नहीं था। तो दो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 49 में शिक्षा के लिए भाषा संबंधित विवाद पर लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण, मतलब अपना विचार लेख, जिसे मैकाले मिनट भी कहा जाता है, कब प्रस्तुत किया गया? यानी मतलब ये मैकाले ने जो अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसे विचार प्रस्तुत किया गया था, जिसे मैकाले मिनट कहा जाता था, ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों यह जो प्रस्तुत किया गया था, यह फरवरी 1835 में प्रस्तुत किया गया था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 50 में साथियों, 50 वाले में क्या पूछ रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश में क्या शामिल था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों में क्या शामिल था, यही आपको बताना है। तो
आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है साथियों, इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। तो नहीं साथियों, कैबिनेट मिशन योजना जो थी पृथक पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके लिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। भारतीय संघ की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन नहीं साथियों, भारतीय संघ की मांग को आंशिक स्वीकार किया गया था, लेकिन कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसलिए भी यह मामला बिगड़ गया। तो क्या शामिल था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रांतों में समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन को विभाजित किया गया। तो यह साथियों, ये बात सही है, विकल्प नंबर सी, यानी प्रांतों में समुदायों जो थे जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन किया गया था, ये बात सही है, जो आज भी ऐसा होता है। 50 तक हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या कह रहा है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये मैंने बताया ना कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब रुक गया तो 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने मिलकर जो है, चितरंजन दास, सी आर दास का मतलब चितरंजन दास, तो ये दोनों मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की है। तो विकल्प नंबर एक हो जाएगा ये कथन, एक मोतीलाल नेहरू और तीन चितरंजन दास। तो एक तीन कहाँ है, यहाँ है। बहुत अच्छा। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपको। बाबा रामचंद्र से संबंधित आपको तीन कथन दिए गए हैं, इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, याद रहे सही उत्तर देना है। तो आपको लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, 1920 में बाबा रामचंद्र ने जो है अवध किसान सभा की स्थापना की थी। बहुत ही बढ़िया सवाल ये पूछा जाता है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो यही बाबा रामचंद्र ने। और ये इनका जन्म जो हुआ था साथियों, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में नहीं हुआ था, ये जो दिया है पहले कथन में, इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इतना याद रखिए, उत्तर प्रदेश के नहीं थे। तो ये वाला आपका गलत हो गया। जब ये गलत हो गया मेरे भाई, और आपसे पूछ रहा है सही बताने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब एक सही नहीं है, तो जिसमें एक होगा काट दीजिए, ये सब नहीं होंगे। अब इन्हीं दोनों में से कोई हमारा उत्तर होना चाहिए। और इनको मालूम है आपको, ये 1915 में फिजी से लौटे थे, इनको फिजी में ले जाया गया था गिरमिटिया मजदूर के रूप में, यानी वहां जो ठेका पर काम करने के लिए ले गए थे अंग्रेज शासन में। तो ये वाला तो सही बात है, और ये भी सही है कि इन्होंने किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दो और तीन केवल सही है, इसका मतलब हमारा उत्तर नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 53 में। 53 में साथियों क्या कह रहा है, आपको एका आंदोलन से संबंधित तीन कथन दिए गए हैं। एका आंदोलन से संबंधित यही तीन कथनों को आपको अच्छे से रीड करना है और आपको सही उत्तर देना है, सही उत्तर। तो साथियों एका आंदोलन, आपको लोगों को मालूम है साथियों, एका आंदोलन जो हुआ था 1921 में हुआ था मदारी पासी के नेतृत्व में। तो यहां पर दिया है कि साथियों, किसानों से 50% से ज्यादा वसूला जा रहा था, जो किसानों से भू राजस्व वसूला जा रहा था वो 50% से ज्यादा वसूला जा रहा था, उसके लिए हुआ था। तो ये बात सही है, एक आंदोलन इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया, मैंने आपको पहले बताया, ये भी सही है। यह मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था, ये भी बात सही है। तो तीन को तीनों बातें यहां सही है, तो इसका मतलब विकल्प हमारा सी हो जाएगा, 1, 2, 3 यही उत्तर होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 54 में, देखें हम लोग क्या लिखा है 54 वाले में। साथियों कह रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना ने मराठों के पूरे भारत पर शासन करने की अभिलाषा को धूल धूसरित करने का काम किया था। तो साथियों आप लोगों को मालूम है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, पानीपत तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में मराठे और अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो यहां पर एम और अहमद शाह अब्दाली में लिख दे रहा हूं, तो इतना समझ जाइएगा 1761 में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था, मराठे हार गए थे। तो बहुत मतलब मराठों की यहीं से पूरी मतलब उनके जो पूरे देश पर शासन करने की जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई थी, तो पेशवागिरी जो उनकी थी वो भी समाप्त हो गई। तो विकल्प नंबर सी आपका यही होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। आगे देखें हम लोग, अगर देखें
यहाँ पर 55 वाले में आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर साथियों बहुत ही बेहतरीन एक से बढ़कर एक प्रश्न है, थोड़ा सा आप अगर गौर करेंगे तो बहुत कुछ आप यहाँ पर सीखेंगे। तो क्या है, यहाँ आपको बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इन्हीं बारदौली सत्याग्रह से संबंधित कथनों को आप अच्छे से पढ़िए और पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो मालूम है बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार जो अपने पटेल जी थे इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ये कब हुआ था, 1928 में हुआ था बारदौली में। तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह सही बात है। इस मामले की जांच मतलब इस मामले की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल ने की थी इस मामले की जांच, ये भी सही है। सरकार ने लगान की दर घटाकर 6.03% कर दी थी, यानी लगान बढ़ने की जो लगानों से संबंधित ये उनका सत्याग्रह था। तो तीनों के तीनों बातें यहाँ भी सही हैं। तो 55 का हमारा डी हो जाएगा उत्तर, उपर्युक्त तो सभी। आगे चले हम लोग देखते हैं 56 में। साथियों ये भी बारदौली क्षेत्र से संबंधित ये घटनाएं दिया है, सवाल है। तो बारदौली क्षेत्र में प्रचलित हाली पद्धति से क्या तात्पर्य है। जो बारदौली क्षेत्र है उसमें एक हाली पद्धति चलती थी, हाली सिस्टम। वो क्या होता था साथियों, हाली पद्धति एक बहुत ही एक तरह का ब्राह्मणवाद टाइप का एक पद्धति था कि जो निम्न जाति के लोग थे उच्च जाति लोगों के यहाँ जाकर वो एक वंश वंश आधारित वहां पर काम करेंगे, यही था वहां पर। एक तरह की पुश्तैनी मजदूरी करते थे जो निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के यहाँ। तो विकल्प नंबर ए बी हो जाएगा आपका, कपिल राज जनजाति होती थी उनका, उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। तो कपिल राज जनजाति, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 57 में। तो इसमें कह रहा है साथियों, अगर उनमें किनमें विद्रोहियों में ऐसा कौन कह रहा है ये आपको बताना है। अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य होता, मतलब एक भी योग्य नेता ने होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो ऐसा किसने कहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, ये बात किसने बोली है। तो साथियों जॉन लॉरेंस ने बोला है, 57 का ये जॉन लॉरेंस ने बोला है। ये 1857 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने जीत लिया और जो हमारी जो विद्रोह था आंदोलन वो असफल हुआ, अंग्रेज इसमें जीत गए। तो उसी उसी के संदर्भ कर रहा है, क्योंकि उस समय जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी साथियों उसमें क्या होता था, बहुत सारी कमी थी, सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, एकता नहीं थी, कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी जो चारों ओर को कंट्रोल कर सके। इन्हीं के संदर्भ में जॉन लॉरेंस ने बोला है कि अगर उनमें एक भी नेता योग्य रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। आगे देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर देखे हैं 58 में हमें क्या पूछ रहा है। 58 में साथियों हमें कह रहा है कि अहमद शाह ये सॉरी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था साथियों, महात्मा गांधी ने किया था। बहुत अच्छा, 1918 में, 1918 में महात्मा गांधी जी ने किया था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अटला। आगे देखें हम लोग 59 में साथियों क्या कह रहा है। हमें एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों मॉडर्न इंडिया से हमारे। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित को कालक्रम में से, यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं साथियों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इसको कालक्रम में आपको सजाना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे साथियों, सब हो जाएगा अच्छे से, कहीं कोई जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद हुआ था साथियों, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में साथियों, तो ये 1905 में, ये 1905 में हुआ था। और यहाँ पर साथियों वायकोम सत्याग्रह ये 24 में हुआ था, मार्च 24 में हुआ था वायकोम सत्याग्रह 1924 में। और यहाँ पर एक दिया है अकाली आंदोलन साथियों, ये 1920 में था, ये गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए किया गया था 1920 में। और बाद में एक यहाँ और दिया है गुरुवर सत्याग्रह, ये 1931-32 में हुआ था, ये 1931-32 में
त्रिशूर जिले में एक अहिंसक आंदोलन था, ये 1930 या 31 के आसपास ये हुआ था। तो आप लोग को ये डेट मालूम हो गया है, अब आप तो लोग आराम से कर सकते हो, यानी सबसे पहले इसमें घटना कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले साथियों यही स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये चार वाला, ये चार एक नंबर पर होना चाहिए। तो किसमें है चार एक नंबर पर, तो पहले वाले में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चार एक ही में है केवल, चार एक नंबर पर, तो उसके बाद ये पहला वाला अकाली हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा वायकोम वाला, सबसे अंत में ये गुरुवर सत्याग्रह। आगे देखें हम लोग 59 में क्या है, 59 है ये क्वेश्चन, ये क्या है नील आंदोलन के संदर्भ में, नील आंदोलन के संदर्भ में, नील आंदोलन के दौरान एक प्रमुख अखबार के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफी सहयोग किया था, वे किस अखबार के संपादक थे, यानी जो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं वो अपने अखबार के माध्यम से नील आंदोलन को बहुत जो है प्रखर आवाज उठाए थे, तो वह जो है इसके संपादक कौन है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन को काफी सहयोग किया था, तो वे किस अखबार के संपादक हैं, तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, उनके अखबार का नाम क्या था 59 में, यही आपसे पूछ रहा है। तो साथियों 60 है ये, 60 क्वेश्चन है, 59 नहीं है, ये 60 है। तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, ये हिंदू पैट्रियाट अखबार का नाम था, विकल्प नंबर ए हिंदू पैट्रियाट। आगे हम लोग देखें 61 में क्या है, तो साथियों 61 में आपसे जो पूछ रहे हैं वे है कि गदर आंदोलन के संदर्भ में, गदर आंदोलन के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, दो कथन, इनको पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो साथियों इसमें देखिए, इस आंदोलन के प्रवर्तक यानी संस्थापक कह सकते हैं ये लाला हरदयाल थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब उनमें से कई सारे लोग थे अग्रिम भूमिका में, लेकिन उसमें लाला हरदयाल का नाम है, तो आप इसे यस कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ये बात सही है। और यहाँ पर साथियों जो आपसे पूछ रहा है, दूसरा जो कथन दिया है दूसरा वाले में, गदर दल का गठन 1913 के न्यूयॉर्क में किया गया था, यस साथियों ये भी बात सही है। तो नहीं, ये न्यूयॉर्क में नहीं किया गया था, ये हमने आपको गलत बता दिया, ये न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था साथियों, ये जो हुआ था यूएसए के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में हुआ था, याद रखिए कैलिफोर्निया। तो ये गलत हो गया आपका, दो वाला, केवल एक सही है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे हम लोग बढ़े, देखें 62 में क्या पूछ रहे हैं, 62 वाले में साथियों पूछा जा रहा है आपसे, 62 वाले में क्या पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यही वो संगठन है जो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ था, जो मतलब काकोरी कांड, काकोरी एक्शन अब तो बोला जाता है, काकोरी षड्यंत्र केस में जो ट्रेन लूटी थी यही संगठन ने लूटा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और बाद में इनके कई साथियों को जो पकड़े गए, कुछ लोगों की फांसी हुई, कुछ भाग गए, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, तो बाद में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसी में सुधार करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था बनाई गई थी। तो इसको बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दिया, तो इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आपसे पूछ रहा है साथियों, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य साथियों यहाँ पर इनका यही था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, यानी क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शक्तियों को उखाड़ फेंकना, यस कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका उद्देश्य यही था। दूसरा हम कह रहा है एक संघी गणतंत्र, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना, ये भी सही है। और यहाँ पर ये तीसरा जो है यहाँ पर, ये सरकारी खजाना लूटना, तो सरकारी खजाना लूटना इनका साथियों एक बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था, हालांकि इन्होंने लूटा था। तो विकल्प नंबर आपका जो है ये बी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि सरकारी लूटना नहीं था उसमें। तो कहीं कहीं आप मतलब लिख जाता है कि मतलब सरकारी खजाना लूटना था, लेकिन ये कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं था, तो केवल बी होना चाहिए जो है, ए और दो, एक और दो। आगे देखते हैं हम लोग 63 में, तो साथियों 63 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं,
सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो इन्हीं कथनों को पढ़कर आप जो है अपना सही उत्तर देना है। तो इसमें क्या 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 कह रहा है पहले वाले में, इसका प्रस्ताव कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। यस बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में पारित हुआ था, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी किए थे। और जो है इसने विधानसभा के सदस्यों के विधायक पद से इस्तीफा देने का आह्वान किया था, तो यस ये भी सही है। इस आंदोलन में कर अदा न करना भी शामिल था, यानी टैक्स न देने की बात भी की गई थी। तो यहाँ पर सभी बातें सही हैं, 63 का सी हो जाएगा आपका, तीन के तीनों बातें सही हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में। आगे देखें हम लोग 64 में, तो 64 में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से गांधी जी की 11 सूत्री जो मांग है उनमें क्या शामिल थे, ये चार बातें लिखी गई हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग जो रखी थी सविनय अवज्ञा, मतलब गांधी जी की 11 सूत्री मांग के द्वारा, तो 1930 में रखी थी इन्होंने, तो इनमें क्या था जो 11 मांग रखे थे, तो इनमें क्या शामिल था यही आपसे पूछ रहे हैं। तो राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, मतलब जो राजनीतिक कैदी हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको उठाकर बंद कर दिया, उनको आजाद किया जाए, ये भी था। जमीन की लगान दर में 50% की कमी की जाए, यानी जितना है उसका आधा किया जाए। और ये तीसरा क्या था, नमक पर सरकार की एकाधिकार को भी खत्म किया जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए, यानी उन 11 बातों में से ये चारों बातें हैं, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। आगे चले हम लोग देखते हैं 65 में, तो इसमें क्या कह रहा है साथियों 65 वाले में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा घटना घटित हुआ था वो आपको सही उत्तर के माध्यम से बताना है। आपको दो विकल्प दिए गए हैं, तो खादी से स्पर्धा करने वाले मोटे कपड़ों को नहीं बनाना, तो यस जो खादी से कंपटीशन करने वाले हैं कपड़े तो उनको नहीं बनाना है, तो ये बात सही है। शराब और नशीली चीजों का बहिष्कार करना, उनकी दुकानों पर धरना प्रदर्शन देना, ये भी शामिल था, तो दोनों बातें सही है यहाँ पर। तो आपका जो 65 है इसका सी हो जाएगा आपका उत्तर, 1 और 2 दोनों दोनों सही है। आगे देखते हैं हम लोग 66 में, 66 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत के लोगों ने चौकीदारी के लिए कर अदा करने से मना कर दिया। तो साथियों पूर्वी भारत के लोग, जैसे पश्चिम बंगाल उड़ीसा ये सब पूर्वी पूर्वी भारत में आता था, तो यहाँ के लोगों ने एक चौकीदारी कर होता था कि वहां पर होता था ना, उनको उन गांव की रखवाली के लिए कुछ हवलदार कुछ सिपाही टाइप रख देते थे, और उनका पूरा खर्चा उन्हीं गांव वालों को ही उठाना पड़ता था टैक्स के माध्यम से। तो गांव वालों ने कहा हमें चौकीदारी नहीं चाहिए, हम अपनी चौकीदारी खुद कर लेंगे, आप अपना ले जाइए जो है अपना सिपाही। तो ये मतलब अदा करने से मना कर दिया, तो कब मना किया था साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बात कही गई थी टैक्स न देने की बात, जो अवैध टैक्स वसूला जाता था। आगे देखें 67 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में शामिल नहीं है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधानों में शामिल नहीं है। तो ऐसा क्या है साथियों, संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी, यस ये भी तो शामिल है, केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी आरबीआई, ये भी सही है, बर्मा को अलग कर दिया था भारत से, ये भी बात सही है। तीन के तीनों जब बातें सही हैं, लेकिन हमसे गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सीधी सी बात यही डी वाला ही होगा उत्तर, बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था, तो नहीं ये बात 1935 के एक्ट में नहीं था, तो यही डी वाला आपका गलत हो गया, बाकी ऊपर के तीनों सही थे, आपसे गलत पूछा तो आपने डी को गलत बता दिया। तो 68 में हम लोग देखते हैं अब क्या है, 68 में क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, तो 68 में साथियों ये आपसे बहुत बेहतरीन, ये आरओ एआरओ यूपीपीसीएस जैसे सवालों में एग्जाम में ये खूब सवाल पूछा जाता है आपको, ऑर्डर सेट करने वाला मिलाने वाला और डेट टाइप के जो सवाल होते हैं, तो ये तो निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित करिए, तो आपको अगस्त प्रस्ताव दिया है साथियों,
अगस्त प्रस्ताव में आपको क्या है? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। यस, हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। और यहाँ पर साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ये भी था, और पाकिस्तान प्रस्ताव जो हुआ था साथियों यहाँ पर, तो ये भी था। तो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव हुआ था ये मार्च 1940 में आया था। ये मार्च 1940 में, तो ये मार्च 1940 में आया था। और अगस्त प्रस्ताव जो है अगस्त में आया था, तो सीधी सी बात है, तो ये मार्च वाला पहले होना चाहिए। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर साथियों दो वाला हमारा सबसे पहले आ रहा है, दो वाला ये हो गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 39 में ही हुआ था, जब वो वहां से इस्तीफा दिए थे जो सुभाष चंद्र बोस 1939 में। तो सीधी सी बात यही हो रहा है, दो हमारा सबसे पहले आएगा, तीन आएगा, चार, एक, एक सबसे अंत में है अगस्त में, ये वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 5069। तो इसमें क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों आया गया था, क्यों मतलब किया गया था साथियों? यह दिखा, जब अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, तो भारत यह दिखाना चाहता था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं है ब्रिटेन की तरफ से, तो यही दिखाना था, इसीलिए सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, इसके संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो इसको विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही बने थे। यस, बिल्कुल सही, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। और नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही थे। अगर पूछे दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो नेहरू जी ये दूसरे सत्याग्रही थे, याद रखिएगा इनको, ये भी सही है। और इस दौरान दिल्ली चलो आंदोलन, मतलब इस आंदोलन को, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यस, दोनों बातें सही हैं, तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है, तो सी वाला हो जाएगा। 70 में, 70 में आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण नहीं है? तो साथियों आपको मालूम है, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह किए तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को बहका लें, तो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आया था 1942 में, जो फेल हो गया था। उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, और एक तरह से भारत को झुंझुना देने की बात कही गई थी। जो कुछ कहा वो कहा कि हम आ जाए, मतलब द्वितीय विश्व की बात करेंगे, तो इसीलिए जो है वो फेल हो गया था। तो यहाँ कह रहा है असफलता का कारण नहीं है, मतलब क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण कौन सा नहीं है, तीन है एक नहीं है, उसी वाले को पकड़ना है। तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, तो डोमिनियन मतलब स्टेट दिए जाने की जो व्यवस्था थी साथियों, ये तो थी उसमें, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें ये बातें थी कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट देंगे, यानी एक तरह से जो केंद्र में हम रहेंगे, प्रांतों में इनको स्वायत्तता देंगे, इस तरह का मामला समझ सकते हैं। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, ये भी सही है, ये भी मतलब सही है, लेकिन उत्तर अभी नहीं मिला है हमें, तो ये बातें सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ये। और एकल भारतीय संघ की स्वीकारता, नहीं साथियों यही गलत है, सी वाला गलत है, तो सी ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें भारतीय संघ की स्वीकारता नहीं की गई थी, इसमें फेडरल नहीं था, तो यही गलत है। जबकि ए बी डी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाते हैं, तो सी केवल गलत है इसलिए सही है। आगे देखते हैं, आगे साथियों हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं आपको। दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था 1942 में, कुछ जगहों पर समानांतर सरकार बनाई गई थी, यानी जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, मान लीजिए ब्रिटिश सरकार है तो जो नियम कानून लागू करती है जिस क्षेत्र में, तो उसी क्षेत्र में कोई ऐसा राजा टाइप का हो गया, वो अपना भी शासन चला रहा है सरकार की तरह, उसके भी नियम लागू हो रहा है। जैसे आपको, अगर यूपी में रहते होंगे तो आपको ये एक कहानी की तरह बातें फैली है,
कि जो प्रतापगढ़ के कुंडा में जो राजा भैया रहते हैं वो समानांतर सरकार चलाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए ये योगी जी का कानून है तो उसी क्षेत्र में ये राजा भैया भी अपना, मतलब लोग ऐसा मानते हैं हमें तो मालूम नहीं, कहते हैं राजा भैया भी ऐसा वहां का एक तरह का समानांतर सरकार चलाते हैं कि सरकार की तरह उनके भी नियम कानून जनता फॉलो करती है। तो इसी यही को समानांतर सरकार कहा जाता है, एक बलिया और एक तामलुक। तो ये जो है तीन जगहों पर जो है, ये बलिया और तामलुक में, ये बलिया हो गया, तामलुक हो गया और ये सतारा हो गया। तो 1, 2, 4, ये तीन जगहों पर समानांतर सरकार बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये अवध में नहीं बनाई गई थी। बस आगे चलेंगे, देखें हम लोग ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राजगोपालचारी फार्मूला 1944 की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन राजगोपालचारी फार्मूला जो 1944 में आया था, आपको मालूम है राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में आया था, एक तरह की कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता करवाने के लिए था ये, तो इसकी विशेषताएं क्या है, सही उत्तर आप दीजिए। तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, यानी जो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली पार्टी, उससे राजगोपालचारी फार्मूला में कहा गया था कि हे मुस्लिम लीग आप भारतीय स्वतंत्रता की मांग करिए, आप आजादी मिलेगा तो हम सब बाद में समझ लेंगे, हम छोटे मोटे मतभेद शामिल मतलब सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये बात थी इसमें, और दूसरी बात थी प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के साथ मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। तो दोनों बातें थी यहाँ पर, तो 72 का हमारा सी हो जाएगा, यही वाली। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या पूछ रहा है साथियों आपसे, आपसे कह रहा है कि देसाई लियाकत समझौता, देसाई लियाकत समझौता का संबंध किससे था? तो साथियों देसाई लियाकत समझौता का जो संबंध था साथियों, यह जो है 8 अप्रैल 1950 को आया था। तो ये 8 अप्रैल 1950 को आया था, ये किस लिए आया था, कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए। तो विकल्प नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा, अंतरिम सरकार के गठन के लिए यह एक समझौता था। आगे देखते हैं हम लोग 74 में, 74 में साथियों क्या पूछ रहे हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच के संदर्भ में आपको तीन कथन दिए गए, इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो इसका उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, चार्ल्स वुड डिस्पैच एक शिक्षा से संबंधित था, तो इसलिए आया था कि इसका 1954 में आया था, 1954 में। तो जो डलहौजी के शासनकाल रहा होगा, हाँ डलहौजी मतलब 1800, यार 1900 में कहां से लिख दिया, 1854 में आया था, तो इस समय डलहौजी का शासन था। डलहौजी आपको मालूम है 49 से 56 साल, 1849 से 56 तक था गवर्नर। तो डलहौजी के शासनकाल में ये आया था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, उच्च शिक्षा के लिए उत्तम माध्यम अंग्रेजी निश्चित किया गया, व्यावसायिक शिक्षा का भी महत्व थोड़ा दिया गया। तो यहाँ तीनों बातें सही हैं, तो डी हो जाएगा, 74 का डी। आगे चले हम लोग 75 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये चार कथन हैं और कालक्रम में आपको इसको सेट करना है। तो साथियों यहाँ हंटर आयोग दिया है, हंटर शिक्षा आयोग, ये 1882 में आया था, 1882 में, ये प्राइमरी स्कूलों के सुधारों से संबंधित था। तो ये है सैडलर आयोग जो था साथियों, ये सैडलर आयोग कब आया था, ये 1917 में आया था सैडलर आयोग। और हार्टोंग समिति जो थी साथियों, ये हार्टोंग समिति कब आई थी, 1929 में, 1929 में हार्टोंग समिति आई थी। और ये जो सार्जेंट है साथियों, ये सार्जेंट वाला 1944 के आसपास ही आया था ये भी, तो 1944 के आसपास ये भी आया था। तो देखिए आप सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी यहाँ, तो स्वाभाविक सी बात है ए वाला हंटर आयोग वाला 1882 जो है ये 1800 वाले सन में हुआ है, और ये सब बाकी 1900 वाले में है। तो एक एक नंबर पे कौन है, तो डी है यहाँ, यही एक नंबर पे दिख रहा है डी में ही, बाकी सब नहीं है, तो सीधी सी बात यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो साथियों हम लोगों ने
अभी तक यहाँ पर जो मॉडर्न इंडिया से संबंधित 150 सवाल थे, इन 150 सवालों में साथियों हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लिया, और समय भी हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है क्योंकि हम चीजों को डिटेल से समझाते हैं। तो पार्ट, हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाना चाहते हैं। पार्ट वन में आपके लिए ये कर दिया हूँ, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक इसका हम पार्ट टू लेकर आएंगे। उसमें बहुत अच्छे से आपको मेंशन एक से बढ़कर एक चीजें की जाएंगी, वहां पर आपको नए नए फैक्ट वाले प्रश्न मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया होगा साथियों। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।